तो ये देखिए जी, केले की कितनी लाजवाब सब्जी बन के तैयार हुई है ना। इसे आप रोटी पराठा के साथ खाइए, बहुत ही लाजवाब लगता है। और इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में डाल दीजिए या टिफ़िन में, ऑफिस गोइंग है तो ले जाइए, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। टिफ़िन में ठंडा होने के बाद भी अच्छा लगता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है ये 4 केले। इसे अच्छे से धो के छील लिया है। आप चाहें तो बाज़ार में जो भी केला उपलब्ध हो, कच्चा केला, वो ले सकते हैं। बस अब इसे क्या करना है, आप चाहें तो गोल गोल भी काट सकते हैं। मैं इसे 2 पार्ट में करके काट रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा मोटा केला था। अगर वो पतला वाला लंबा वाला केला आता है ना, आप उसे गोल गोल काट सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्रिस्पी बनता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए इस तरह से केला को काट लेते हैं। ये ना ज़्यादा मोटा है ना पतला है, क्योंकि पतला रहने से ना फिर टूट जाता है सब्ज़ी में, सो ध्यान रखना होता है। तो ये देखिए केला तो हमारा कट के रेडी हो चुका है। तो बस, तो अब चलिए आगे की प्रोसेस की ओर। गैस पे कढ़ाई गर्म हो चुका है, 2 से 3 चम्मच तेल डालना है, ज़्यादा नहीं। अब इसमें क्या करना है, ये कटे हुए केले को हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि हमें सब्जी को थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना है। तो इसलिए मैंने पहले केला को हल्का फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए जब इस तरह से ये हो जाए तो अब इसे निकाल लेते हैं। तो बस हमें ऐसा ही केला चाहिए था फ्राई। अब फिर से उसी कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। अब उसमें तेल डाल देते हैं। तो तेल आप अपने हिसाब से, आपको जितना खाना पसंद हो। अब इसमें 1/2 चम्मच 5 फोरन और 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक कट करके डाला है। 10 कलियां लहसुन को मैंने बहुत ही बारीक कट करके डाला है, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है, ज़रूर डालें। तो ये देखिए अब इसमें डाल देते हैं 2 बड़े प्याज को मैंने बहुत ही पतले पतले स्लाइसेस में कट करके डाले हैं। आप चाहें तो बिना लहसुन प्याज के भी बना सकते हैं, वैसे भी केला का भुजिया बहुत टेस्टी बनता है। तो अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, ताकि प्याज जो है थोड़ा सा गल जाए, नरम पड़ जाए। तो ये देखिए जब प्याज इस तरह से हो जाए तो इसमें डाल देते हैं टमाटर। मैंने 1 टमाटर को रफली चॉप करके डाला हुआ है, आप चाहें तो एक और डाल सकते हैं। 2 टमाटर डालिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अब इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। नमक पहले भी डाला हुआ है, थोड़ा हिसाब से ही डालें। तो बस अब इसे मिला लेते हैं और ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मसाला हमारा थोड़ा पक जाए, क्योंकि हम सूखी वाली सब्जी बना रहे हैं तो मसालों को पहले पका लेते हैं। तो ये देखिए अब इसे क्या करते हैं, 2 से 3 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि मसाला ऑयल छोड़ दे। तो ये देखिए इस तरह से जब मसाला ऑयल छोड़ दे तो आपका ये जो मसाला है बहुत अच्छे से पक चुका है ना। तो अब इसमें डाल देते हैं केला जो हमने फ्राई करके रखा हुआ है। इस तरह से केले की सब्जी बनाने से ना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। खास करके ये सूखी केले की सब्जी जो है ना, लंच में ले जाने के लिए बहुत ही परफेक्ट है। जर्नी में भी ले जा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में डाल दीजिए पराठा रोटी के साथ, वो बहुत खुशी खुशी खा लेंगे। तो बस अब इसे 5 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि ये सब्जी थोड़ा सा पक जाए। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद ये हमारा सब्जी जो है बहुत ही अच्छे से पक चुका है। ये देखिए लग रहा है ना लाजवाब, तो मसाला और केला जो है बहुत ही अच्छे से आपस में मिल चुका है। अब इसे 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, मीडियम लो फ्लेम पे ही करना है। तो ये देखिए लग रहा है ना मज़ेदार। तो बस इसे हाई पे नहीं भूनना है, नहीं तो प्याज फिर जो जलने लगेंगे। तो बस गैस को ऑफ कर देती हूँ और ये सब्जी हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें हरे धनिया पत्ते को इस तरह से छिड़क दीजिए। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए लग रहा है ना मज़ेदार, ये गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बहुत ही लाजवाब लगता है। इसे रोटी पराठा के साथ खाइए तो फिर मज़ा ही आ जाए, और बच्चे भी इसे बहुत ही आराम से खा लेंगे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि किस चीज़ की सब्जी है, केले हैं या आलू हैं। तो ये रेसिपी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।